और अब एक बड़ी खबर, आर्थिक अपराध के आरोपी और भारतीय बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए भगोड़े विजय माल्या को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। माल्या के भारत प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई के लिए सीबीआई टीम लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट पहुंच चुकी है। अगर कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी तो 28 दिनों में माल्या को ब्रिटेन छोड़ना होगा। ऑगस्टा हेलीकॉप्टर घोटाले में सऊदी के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 5 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था और अब विजय माल्या को भी इसी तरीके से भारत लाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है, कोशिशें जारी हैं। माल्या के प्रत्यर्पण पर वेस्टमिंस्टर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। लंदन में विजय माल्या कोर्ट पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर के बाद अब ये देखना होगा कि आखिर क्या फैसला आता है इस पर। तो 9000 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का आरोप विजय माल्या पर है, भगोड़ा घोषित हो चुका है और अब देखना होगा कि आज जब वहां सुनवाई होगी वेस्टमिंस्टर कोर्ट में, जो कि थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है, तो उस दौरान फिर क्या होता है, क्या कामयाबी इस मामले में मिल पाएगी। क्रिश्चियन मिशेल के तरह ही विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण कर लाना एक बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर कोर्ट में क्या होता है इस दौरान। तो बड़ी खबर इस मसले से जुड़ी आपको बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आज कोर्ट में विजय माल्या का क्या होगा। लंदन कोर्ट प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देगी तो भारत सरकार 14 दिन में हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी तो 28 दिन के भीतर माल्या को ब्रिटेन से भारत भेजा जाएगा। माल्या की अपील हाई कोर्ट में खारिज होती है तो भी आज से ही 28 दिन बाद ब्रिटेन छोड़ना होगा। तो अगर आज प्रत्यर्पण की इजाजत मिल जाती है तो फिर छोड़ना होगा विजय माल्या को लंदन और उसके बाद प्रत्यर्पण कर 28 दिनों में भारत लाया जाएगा और यह फैसला अब से थोड़ी ही देर बाद हो जाएगा और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं। जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशेल को लेकर एक बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी, इस मामले में भी उम्मीद यही की जा रही है कि वहां कोर्ट में आज प्रत्यर्पण को लेकर मंजूरी मिल जाएगी। चूंकि हमारी एजेंसीज का लगातार कहना है कि उनके पास वो तमाम सबूत हैं, वो दस्तावेज मौजूद हैं जो उनका पक्ष मजबूत करते हैं। विजय माल्या के कर्ज, फरार होने और प्रत्यर्पण से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी जरूर जाननी चाहिए ताकि ये पूरा केस आपको समझ आए। विजय माल्या पर करीब 9000 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है। नियमों का उल्लंघन करके बैंकों से बिना गारंटी कर्ज लेकर देश छोड़ने का आरोप है। अप्रैल 2018 में प्रत्यर्पण वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया, जमानत मिली। माल्या ने ट्विटर पर लिखा था, मैं एक रुपए का कर्जदार नहीं हूं, कर्ज किंग फिशर एयरलाइंस ने लिया। माल्या ने यह भी लिखा था कि मैं बैंकों का सारा मूलधन चुकाने के लिए तैयार हूं, मेरा ऑफर नहीं माना गया। प्रत्यर्पण पर कोर्ट में कहा, भारतीय जेलों की हालत ठीक नहीं है, हवा प्रकाश की सुविधा वहां मौजूद नहीं है। नवंबर 2018 की बात करें तो कर्ज के एक मामले में ब्रिटेन की एक कोर्ट ने 88,000 पाउंड भुगतान का आदेश दिया। साल 2016 में माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन पहुंच गया, तब से लंदन में रह रहे। भारत में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट रद्द कर दिया है। ब्रिटेन से विजय माल्या को प्रत्यर्पण के तहत हिंदुस्तान लाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिस पर अब से कुछ ही देर बाद फैसला आने वाला है। तो प्रत्यर्पण केस में सुनवाई के लिए थोड़ा सा इंतजार अब बाकी है और उसके बाद यह तय होगा लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में, यह फैसला होगा कि आखिर विजय माल्या का प्रत्यर्पण किया जाए या फिर नहीं। और अगर ऐसे होता है, अगर यह हो जाता है, अपील मंजूर हो जाती है, तो बड़ी कामयाबी भारत के लिए होगी, क्योंकि जिस तरीके से विजय माल्या भागा हुआ है उसे प्रत्यर्पण की कोशिशें लगातार की जा रही है और इसीलिए आज सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं। सीबीआई की टीम वहां रहेगी तमाम दस्तावेजों के साथ, माल्या के खिलाफ जो भी तमाम सबूत हैं उन तमाम चीजों को आज कोर्ट के अंदर रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट ये फैसला करेगा कि आखिर विजय माल्या पर क्या फैसला सुनाया जाना है।